फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं दुधिया पत्ते का पकौड़ा। तो इसके लिए यहाँ पर हमने पत्ते को काट लिया है और इसमें हम एक कप बेसन ऐड कर देते हैं, आधा कप चावल का आटा, फिर इसमें थोड़ी हल्दी और एक चम्मच नमक और यहाँ पे आधा चम्मच हमने गरम मसाला डाल दिया है जिससे इसका टेस्ट बढ़ जाए। यहाँ पर एक चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, फिर थोड़ी सी हींग और एक चम्मच जीरा और आधा चम्मच भर के आमचूर पाउडर हमने डाल दिया है। फिर यहाँ पे कूटी हुई अदरक और लहसुन को डाल दिया है। यहाँ पे हम पहले पानी नहीं डालेंगे, इसको पहले मिक्स कर लेते हैं पत्ते में और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे क्योंकि पत्ता जो है वो पानी छोड़ता है। और इसको अच्छी तरह से दाब दाब के मिक्स करते हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और अब इधर हमने गैस पे कढ़ाई को चढ़ा दिया है। इसमें हमने ऑयल डाल दिया है, यहाँ पे हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया। अब इसमें हम छोटे छोटे करके पकौड़ों को डालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पकौड़े जो है फ्राई हो रहे हैं, इसको जब एक साइड से सिक जाए तो दूसरी साइड हम पलट लेंगे। यहाँ पे एक साइड सिक गया है, इसको हम दूसरी साइड पलट करके इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हम पकाएँगे ताकि अंदर कच्चा ना रह जाए और ये बिल्कुल क्रिस्पी बने चावल का आटा डालने से। इसको बस 5-6 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे उलट पलट कर। तो यहाँ पे सभी पकौड़ों को हमने एक बार पलट दिया है। तो फिर यहाँ पे दोनों साइड अब हम उलट पलट लेंगे। जब ये अच्छी तरह से सिक जाए तो इसको अब हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने झन्नी में निकाल लिया ताकि इसका जितना भी तेल है वो नीचे निकल जाए, जो कि क्रिस्पी क्रिस्पी हमारे पकोड़े बन करके रेडी हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे हमारे दुधिया पत्ते यानी अरबी के पत्ते के पकोड़े बन करके तैयार हैं, जो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। यहाँ पे हमने सारे पकोड़े बना लिए हैं, आप लोग भी इंजॉय करें और इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे एक पकोड़े आपको हम तोड़ के दिखाते हैं। तो देखिए